तमाशाई होते और उस मैदान में उस गोल ग्राउंड में एक आदमी जाता जो शराब के नशे में धुत होता और फिर वो डांस कर रहा होता, नाच रहा होता और फिर उसी तमाशाई में से एक आदमी निकलता, अपने म्यान से तलवार निकालता और उस डांस करने वाले रक्षसूर के कैफ लेने वाले के सर पे मारता, सर एक तरफ धर एक तरफ और पूरे तमाशाई थपड़ियां और तालियां बजाते। इसका नाम जश्न और तलवार था। कहीं किसी मुल्क में एक औरत से कहा जाता कि आपकी बीवी में सिर्फ आपका हक नहीं है, जैसे जमीन तकसीम होती है सोना चांदी तकसीम किया जाता है, ऐसे ही बीवियों को भी तकसीम होने वाली चीज गलानी गई। हर तरफ जुल्म और इज्जत करने का नाच नाचा जा रहा था। आलम यह था कि अगर मुल्क में कोई बूढ़ा हो जाए तो कहा जाता था ये मुल्क की तरक्की के लिए बाधा और रुकावट है, इसे फना के घाट उतार दिया जाए। लेकिन नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, जुल्म का खात्मा हो रहा है, अदल इंसाफ का कयाम हो रहा है, हर तरफ अमन और चैन की बहारें उठ रही है, हर तरफ अमन और सुकून की फजा हमवार हो रही है, नबी तशरीफ ला रहे हैं और आलम यह हो रहा है कि नबी कह रहे हैं कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, किसी ने बेगुनाह एक की जान ली, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, वो मन अहिया हुआ, और किसी ने किसी एक जान की भी हिफाजत की, किसी एक जान को अमान दिया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और कायनात को पैगाम दे रहे हैं, मन लम युअक्तर कभी रहना और मन लम युरहम सभी रहना फलैस मिन्ना, जो हमें बड़ों की इज्जत नहीं करता, हमसे छोटों पे शफकत नहीं करता, वो मुझमें से नहीं हो सकता। यानी ईमान और ईमान का कमाल ये होगा कि बड़ों की इज्जत करे, छोटों पे शफकत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं, मन आला जायत है हत्ता तब लोग जाना कसा वो समा साबिया हूँ, कि जिसने किसी एक बच्ची दो बच्ची या तीन बच्चियों की अच्छी परवरिश कर दी, यहाँ तक कि वो बालिग़ हो गई, तो ऐसे बाप माँ और मैं जन्नत में यूं दाखिल होऊंगा। और नबी ने अपनी उंगलियां मिलाई, नबी करीम से आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और दुनिया में अमन कायम हो रहा है, दुनिया में चैन बहाल हो रहा है, दुनिया में सुकून बहाल हो रहा है, पूरी कायनात को इंसाफ मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रबीउल अव्वल का महीना है वो इंसानियत की आजादी का महीना है, वो जो रबीउल अव्वल की तारीख है, जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह है, वो इंसानियत की आजादी की सुबह है। इंसानियत 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी इंसानियत को आजादी मिली थी। 12 रबीउल अव्वल को मुस्लिम इंसान तशरीफ लाए थे, वो सिर्फ किसी एक